तो ये है पार्ट थ्री ऑफ ड्रॉइंग. This is complete misunderstanding. The throw has to be in, and he completes the catch. And this is outstanding because. अगर आपने पार्ट वन और टू नहीं देखा तो पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है. तो कैम छो मेरे चित्रकारों, मेरा नाम है एसपी, स्वागत है आपका पोर्ट्रेट स्केचिंग की दुनिया में. सब्सक्राइब कर दो अगर आप भी आर्ट को मेरी तरह ही प्यार करते हो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि जब भी मैं एक नया आर्ट ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँ आपको तुरंत पता चल जाए. तो चलिए चलते हैं पार्ट थ्री में. तो ये है फाइनल पार्ट हमारा रविंद्र जाडेजा के स्केच बनाने में. तो ये फाइनल पार्ट में हमारा मेनली फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि उनका जो राइट हैंड है, और ये पोर्ट्रेट स्केच है, इसको मैंने स्क्रीनशॉट लेके बनाया था उनकी इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर, जो उन्होंने पोर्ट्रेट्स और फोटोज़ अपलोड कर रखे हैं उस पर से मैंने स्क्रीनशॉट लेके बनाया था. तो उसके अंदर जो चीज़ में प्रॉब्लम था कि उनका हैंड पूरा दिख नहीं रहा था, मतलब उनके जो फिंगर्स हैं और पीछे का जो हैंड है वो पूरा दिख नहीं रहा था. तो ऑफकोर्स जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा उसके अंदर थोड़ा वो भी वियर्ड लगेगा ही, बट अगर आप ज़्यादा डिटेल्स दे पाओगे आपके स्केच में तो वो ब्यूटीफुल लगेगा ही. सो इस चीज़ में और ये वाले पार्ट में, मतलब फाइनल पार्ट में, हमारा मेन फोकस उनके हैंड पे रहेगा, और हैंड के ऊपर जो टैटू है उस पर, और जो उनके क्लोथ्स हैं उन पर रहेगा. क्लोथ्स के लिए आप ऑफकोर्स चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, और जहाँ जहाँ पे लाइटर वैल्यूज़ हैं क्लोथ्स की वहाँ पे आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो. और आपको ये चीज़ भी याद रखनी चाहिए कि ग्रेफाइट और चारकोल पेंसिल दोनों कभी ब्लेंड नहीं होते ईजीली. सो आप ज़्यादा से ज़्यादा ईजी चीज़ें यूज़ करो ताकि आप ज़्यादा ब्यूटिफुल स्केच बना सको. नाउ हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि जो आपके जो क्लोथ्स रविंद्र जाडेजा या फिर आप कोई भी रेफरेंस पिक्चर आप बना रहे हो उसमें आप क्लोथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक कैसे बना सको. और अगर आपको आपके क्लोथ्स, जो भी आपका रेफरेंस पिक्चर है, उसको ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाना है तो आपको उसमें शेड्स देने पड़ेंगे. शेड्स का मतलब ये है कि बहुत सारा पार्ट क्लोथ का ऐसा भी होगा जहाँ हाईलाइट होगा, जहाँ पर ज़्यादा लाइट वैल्यूज होगी. बट अगर आप ये पिक्चर में फोकस करो तो राइट साइड का जो उनका शोल्डर है वहाँ का जो क्लोथ है तो वहाँ पे बहुत स्मॉल पार्ट ऐसा है कि जहाँ पे लाइटर वैल्यूज़ हैं ब्लैक कलर की. तो ऑफकोर्स मैंने पहले मीडियम चारकोल पेंसिल से पूरा डार्क कर दिया, उसके बाद बहुत स्मॉल पार्ट ऐसा था कि जहाँ पे मैंने हाईलाइट छोड़ दी. आप ग्रेड्स ऐसे भी यूज़ कर सकते हो चारकोल पेंसिल में कि पहले मीडियम से मैंने पूरा बना दिया, उसके बाद सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है उसको मैं उसी जगहों पर ब्लैकिश करूँगा, जैसे कि कॉलर है उनके क्लोथ का वहीं पर ब्लैकिश बनाऊँगा, ताकि जो बीच का पार्ट है जहाँ पे मीडियम चारकोल पेंसिल से मैंने शेड्स किए थे वो ज़्यादा लाइट दिखे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल के कंपेयर में. तो उसको यूज़ करके भी आप हाईलाइट्स और शेडोज़ बना सकते हो और रियलिस्टिक दिखा सकते हो आपके स्केच को. अब हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि बीच का पार्ट, जो क्लोथ्स के बीच का पार्ट है और लेफ्ट साइड का जो उनका क्लोथ उन्होंने पहन रखा है, सेम शर्ट है, बट मेन डिफरेंस राइट साइड के शोल्डर और लेफ्ट साइड के शोल्डर में ये है कि लेफ्ट साइड का शोल्डर है जो, वो थोड़ा और लाइट है एज़ कम्पेयर टू राइट वाले शोल्डर में. सो उसको बनाने के लिए भी आपका, अगर आप फोकस कर सकते हो तो लेफ्ट साइड का जो उनका कॉलर है वो अंदर से ज़्यादा डार्क है, तो वहाँ पे आपको कौन सा यूज़ करना पड़ेगा पेंसिल, ऑफकोर्स सॉफ्ट चारकोल पेंसिल. और बाहर का जो कॉलर है वहाँ पे आप मीडियम चारकोल पेंसिल यूज़ कर सकते हो, उसे ब्लेंड कर दो ताकि आप ज़्यादा शेड्स दे पाओ. सो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ हैं वहाँ पे मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ की है, और उसको मैं ब्लेंड करूँगा. पहले तो ब्रश आप यूज़ कर सकते हो, आप ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो. मैं पर्सनली अगर चारकोल पेंसिल क्लोथ्स में है तो उसको ब्लेंड करने के लिए मैं क्लोथ्स के लिए मैं यूज़ करता हूँ ब्रशेस. और बहुत ज़्यादा स्केचेस ऐसे भी हैं जैसे कि ये स्केच है उसमें मैंने ब्लेंडिंग स्टम्प्स यूज़ किए हैं जो सबसे बड़ा वाला होता है. आप छोटे वाले भी यूज़ कर सकते हो, बट छोटे वाले में प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं और ज़्यादा लाइटर वैल्यूज़ देने लगते हैं, क्योंकि अगर चारकोल पेंसिल्स हैं उसको आप ज़्यादा ब्लेंड करोगे तो उसके ऊपर का जो पाउडर है और ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ है वो निकलती रहेगी. अगर आप बहुत पॉइंटेड, जैसे कि छोटे वाले ब्लेंडिंग स्टम्प होते हैं वो बहुत पॉइंटेड होते हैं, और जितना पॉइंटेड ज़्यादा होंगे ब्लेंडिंग स्टम्प उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको आपके स्केच बनाने में होगी. सो ऑफकोर्स यूज़ करो सबसे बड़ा वाला ब्लेंडिंग स्टम्प, उससे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव शेडोज और हाईलाइट्स अप्लाई करो आपके स्केचेस में और क्लोथ्स में ताकि वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे.
आप देख सकते हो कि कॉलर के बीच का जो पार्ट है उसको मैंने छोड़ दिया है, और उसको आप ब्लेंड भी कर सकते हो मेकअप ब्रशेज से, और आप डायरेक्ट छोड़ो मत, क्योंकि अगर आप छोड़ दोगे तो वो ऑफ कोर्स ड्राइंग टाइप लगेगा, और आपको ड्राइंग्स नहीं बनानी है, आपको रियलिस्टिक स्केच बनाना है, कि जब भी आपका स्केच कोई भी देखे तो लगे कि भाई आपने जो फ़ोटो है उसको कॉपी करके डाल दिया है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि आपने पूरा जेरोक्स करके डाल दिया है, आपने स्केच नहीं बनाया। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही रिकमेंड करता हूँ कि जाओ, और मेरी यूट्यूब चैनल है जो मैं इंग्लिश में स्केचेस बनाता हूँ, ट्यूटोरियल बनाता हूँ, आप देख सकते हो वहाँ जाके मैंने पूरे स्केचेस बना रखे हैं, तो जब भी वो देखते हैं तो उनको पता चलता है कैसे बनाना है। और बहुत सारी मेरी ऑडियंस ऐसी भी है जो इंडिया से है, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रखी है, तो सिर्फ उन्हीं के लिए मैंने ये चैनल बनाई है, ताकि उनको इंग्लिश में भी और पता चले और हिंदी में भी पता चले। तो अब हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि जो टैटू है राइट साइड का हैंड है रविंद्र जाडेजा का, उनके राइट साइड के हैंड में जो टैटू है उसको कैसे बनाएं, और उसको ब्लेंड कैसे करें फेस कहाँ, जो उनका हैंड है उसके साथ। और जो मेन पार्ट हमारा ऐसा है कि जो टैटूज होते हैं वो ऑफकोर्स स्किन टेक्सचर से डिफरेंट दिख के आते हैं हमेशा, और जो रविंद्र जाडेजा की स्किन है वो ज़्यादा फेयर भी नहीं है और ज़्यादा ब्लैकिश भी नहीं है, मीडियम है। तो मेन प्रॉब्लम ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा फेयर, जो मैंने पिछले वाले स्केचेस भी बनाए उसमें स्किन बहुत ज़्यादा फेयर थी, तो उसके ऊपर टैटूज़ बनाने थे, तो मैंने डायरेक्टली 4B पेंसिल यूज़ कर ली थी, तो उससे टैटूज़ एकदम दिख के आ रहे थे। बट प्रॉब्लम ये स्केच में ऐसा है कि जो टैटू का कलर है और जो हमारा रविंद्र जाडेजा की स्किन कलर है वो ऑलमोस्ट मैच कर सकते हैं, बट हमको ज़्यादा डार्कर वैल्यूज यूज़ करने पड़ेगी टैटूज़ के लिए। सो मैं रेकमेंड करूँगा कि पहले आप आउटलाइंस बना दो, 2B पेंसिल मैं रेकमेंड करूँगा, 2B पेंसिल को बहुत कम प्रेशर अप्लाई करो और उससे आप पहले आउटलाइंस बना दो टैटूज़ की। बहुत सारे मैंने आर्टिस्ट ऐसे देखे हैं कि वो डायरेक्टली जाएंगे स्केच बनाना शुरू कर देंगे, 2B या 3B पेंसिल यूज़ करेंगे और उसको ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे ताकि वो ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ ले पाए। बहुत सस्ती पेंसिल्स मिलती है अलग अलग डार्कर वैल्यूज़ की, आप फेबर कैसल की या अप्सरा की किसी की भी पेंसिल ले सकते हो, बहुत सस्ती मिल जाती है 50-60 रुपए में, उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल स्केचेस बना पाओगे। ग्रेड बाय ग्रेड जाओ, बहुत अच्छे स्केचेस बन जाएंगे। बट ये चीज़ में हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि पहले आउटलाइंस बना दो। आउटलाइंस का भी ये मतलब है कि आप इतनी सॉफ्ट आउटलाइंस बनाओ ताकि जब आप बना रहे हो तब आपको दिखे और वो ब्लेंड भी हो जाए आपके स्किन टेक्सचर के साथ, क्योंकि अगर आप आउटलाइंस को ज़्यादा डार्क बना दोगे तो वो स्किन टेक्सचर के साथ ब्लेंड नहीं होने वाली, और अगर वो ब्लेंड नहीं होगी तो आपको क्या लुक मिलेगा, ड्राइंग लुक, ऑफकोर्स ड्राइंग लुक। सो हमारा तो फोकस रियलिस्टिक स्केच पे, तो फोकस करो कि कैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्लेंड कर सको आपके स्किन टेक्सचर को आपके आउटलाइंस के साथ। सो बहुत सॉफ्ट आउटलाइंस बनाओ और उसके बाद ब्लेंड कर दो आपके टैटूज और डिफरेंट जितने भी आपके क्लोथ्स हैं उनके साथ। सो जो हमारा मेन फोकस अब रहेगा वो ये है कि आपका जो हैंड है वो और टैटू दोनों कनेक्ट भी कैसे रहे और अलग भी कैसे दिखे, क्योंकि ऑफकोर्स टैटू अलग दिख के ही आता है, कोई भी बनाए, मेरे पास भी टैटू है, वो ऑफकोर्स अलग दिख के आते ही। सो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि पहले 2B पेंसिल यूज़ करो, बेस लेयर बना दो उसकी पूरी, और उसके बाद छोटे छोटे जो आपने आउटलाइंस बना रखी थी टैटूज़ की उसको ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ देते जाओ। बट स्किन टेक्सचर के लिए मैं कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ, मैंने पिछली बार भी बताया था आपको कि ईयरबड यूज़ करो या फिर आप टिश्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो ब्लेंड करने के लिए, उसे ब्लेंड कर दो उसके बाद डार्कर वैल्यूज़ देनी स्टार्ट करो। डायरेक्टली मत डार्कर वैल्यूज़ डालनी शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप पहले ही डार्क बना दोगे तो वो आपके स्किन टेक्सचर के साथ ब्लेंड नहीं होने वाले और वो टोटली वियर्ड लगेगा और बहुत ख़राब लगेगी आपकी स्केच। सो 2B पेंसिल लो और 2B पेंसिल को पहले ब्लेंड कर दो ईयरबड से या टिश्यू जो भी आपके पास है, जो भी आपको ईजी पड़ता है वो। आप कभी भी, मैं रिकमेंड करूँगा कभी भी ईयरबड्स के अलावा कुछ ज़्यादा यूज़ मत करो, क्योंकि आप मेकअप ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको बहुत अच्छे ब्लेंडिंग लुक देंगे, बट मेकअप ब्रश का मेन प्रॉब्लम ये है कि वो मुड़ जाते हैं और ज़्यादा ब्लेंड नहीं हो पाते। तो अगर आपको ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ देनी है, जैसे कि टैटूज़ हैं और जैसे कि हेयर्स हैं और वो सब है, तो अगर आपको वो ज़्यादा डार्कर वैल्यूज़ देनी है तो वहाँ पे आपको ब्रशेस ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहेंगे। तो आप यूज़ कर सकते हो ईयरबड्स और टिश्यूज़ भी यूज़ कर सकते हो, उसको आप ब्लेंड कर दो। उसके बाद मैंने ये टैटूज़ जो रविंद्र जाडेजा का है तो उसको, उसका नीचे का पार्ट है वो ज़्यादातर ब्लैक है और ज़्यादा ब्लैक है, तो उसके लिए मैंने 4B पेंसिल यूज़ की है
और जो सबसे नीचे वाला पार्ट है वो ज़्यादा ब्लैकिश है, क्योंकि लाइट सोर्स लेफ्ट साइड से आ रहा है और ऊपर का जो राइट हैंड है उनका, वहाँ पे ज़्यादा लाइट पड़ रही है, तो ऑफकोर्स वहाँ का टैटूज दिख नहीं रहा है हमें। तो उसको अगर हमें वाइटिश पूरा बना दोगे तो वो पूरा ड्राइंग लुक दे देगा आपको, बट अगर आपको रियलिस्टिक बनाना है उसको, तो उसके लिए आपको थोड़ा 2B पेंसिल जो थी, जो हमने पहले ब्लेंड की थी बेस लेयर के लिए, उसी को रहने दो और उसके बाद उसके ऊपर टैटूज बना दो जहाँ जहाँ आपको डिटेल्स दिख रहे हैं और जहाँ जहाँ आपको डार्कर वैल्यूज़ दिख रही हैं, तो उसको बना दो। और फाइनली जो हमारा एंड में जो चीज़ बनेगी वो है कि जो क्लोथ नीचे का पार्ट है, जो सबसे नीचे का पार्ट है क्लोथ का, वो टोटली डार्क है। ऑफकोर्स जो ऊपर का ब्लैक शर्ट था उनका, उसी का कंटिन्यूस नीचे आ रहा है हाथ, क्योंकि आगे हाथ था तो आपको पीछे का जो क्लोथ था वो दिख नहीं रहा था, तो ऑफकोर्स नीचे का पार्ट टोटली ब्लैक है। बीच बीच में बहुत छोटा पार्ट ऐसा है जहाँ पे थोड़ी हाईलाइट बन रही है, तो वो अगर आपको हाईलाइट दिखानी है तो ऑफकोर्स मीडियम चारकोल पेंसिल से पहले बेस लेयर बना दो और उसके बाद उसको ब्लेंड कर दो। आप ब्रशेस भी यूज़ कर सकते हो, ब्लेंडिंग स्टम्प भी यूज़ कर सकते हो चारकोल पेंसिल के लिए, और फाइनली सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ करो और जितने भी डार्कर वैल्यूज़ हैं उसको बना दो आपके शर्ट के ऊपर। सो आप देख सकते हो कि सिर्फ बीच का थोड़ा पार्ट बचा है, और उसको बनाने के लिए भी वो शर्ट है जो उन्होंने शर्ट के अंदर एक टी शर्ट पहन रखी है वो थोड़ी ग्रेज कलर की है, तो वो ग्रेज कलर की पेंसिल का जो शेड्स हैं उसको बनाने के लिए आप ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो और चारकोल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने यूज़ की है चारकोल पेंसिल का जो पाउडर है, जो मैंने सॉफ्ट चारकोल पेंसिल बनाया था उस वो पाउडर को यूज़ किया और बेस लेयर बना दिए पहले तो, और उसके ऊपर मैंने ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ की है ताकि मैं ज़्यादा डिटेल्स दे पाऊँ वो टी शर्ट की, और बहुत छोटी छोटी डिटेल्स हैं तो आपको फोकस करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अगर आपको रियलिस्टिक स्केचेस बनाने हैं। आप डायरेक्टली 1-2 घंटे में रियलिस्टिक स्केचेस नहीं बना पाओगे कभी भी, तो फोकस करो छोटी से छोटी डिटेल्स, उसे ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ आपके स्केचेस में ताकि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्केचेस आपके लगे। बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए अगर आपको पोर्ट्रेट स्केचेस बनाने हैं, तो जितने ज़्यादा फोकस होगा उतने अच्छे स्केचेस होंगे। तो आज के ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही। अगर आपने इस ट्यूटोरियल से कुछ ना कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज हो इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग तो कमेंट में लिख दो। तब तक के लिए ध्यान रखो खुद का और जिनसे प्यार करते हो उनका भी। आपका चित्रकार एक दिन हो। टैटूज़।